वेलकम टू एसएच डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 18 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न बने हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए हैं, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही मैं आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। जितने भी कैंडिडेट थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग आंसर्स मैच कर लीजिएगा। देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। जीके और साइंस के 26 मुझे जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का इसी तरह प्रॉपर ढंग से एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ नोट्स के माध्यम से। तो जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आपको डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस दूंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन सेकंड देखिए कह रहा है, फर्स्ट मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी, तो 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया था। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है, तो बंगाली है, दो आधिकारिक भाषा है, और कोक बोरोक है। नेक्स्ट देखिए 5, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची हैं, तो वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। 6 देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई है, तो अप्रैल 2021 में लागू किया गया है। 7th क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। 9th क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 243 ई किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। 10th क्वेश्चन पूछा गया है, पीएनबी बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। आईक्यू एयर की 2021 की विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है, तो दिल्ली को दिया गया है, सबसे प्रदूषित शहर है। नदी विसर्प कैसे बनाती है, तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, अलग अलग ऑप्शन था, तो इसमें एक ऑप्शन था हिंसावादी आंदोलन, तो जो चिपको आंदोलन था यह हिंसावादी आंदोलन नहीं था, तो यही संबंधित नहीं है, बाकी वृक्षों की कटाई के विरोध से संबंधित था। जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है, तो ऑप्शंस में शकरकंद था, ये बिल्कुल सही था, जड़ों से नया पौधा बनने का ये अच्छा उदाहरण है शकरकंद। इसके अलावा डहलिया, ब्लैकबेरी, ये सभी जड़ों से नया पौधा बनता है। C2H6 एंड C3H8 में संबंध है, तो समजातीय का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, ऑप्शन था त्वचा, बड़ी आँख, छोटी आँख, फेफड़ा, तो छोटी आँख जो होता है ये उत्सर्जन अंग नहीं है, जबकि त्वचा, बड़ी आँख, फेफड़ा, ये सभी उत्सर्जन अंग है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की कमी होगा। ग्रह क्यों नहीं डिमाते हैं, तो ग्रह अपेक्षाकृत बहुत बड़े होते हैं और पृथ्वी से बहुत निकट होते हैं, जिसके कारण टिमटिमाते नहीं हैं। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सोडियम जब वाटर से रिएक्शंस करता है, अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका नाम है। इलेक्ट्रिक हीटर किस कारण गर्म होता है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है इसका तार नाइक्रोम का बना होता है और इसमें उच्च प्रतिरोध होता है जिसके कारण गर्म होता है। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है।
गोलीय दर्पण में किसे लंबवत आपतित होती है? गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रवाहित होती है तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर सही था। उसके बाद देखिए OFCl, उसके बाद आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो आयोडीन के परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा 18/8/2022 थर्ड शिफ्ट के जेन्युइन 26 क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को एग्जाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह आप डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अभी नहीं जुड़े हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।